बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम इजलास की, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गर्मा गर्म बहस हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर इन हाउस तब्दीली की मुखालफत कर दी। कहते हैं लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी होना चाहिए। JUI और पी के मैप नेशनल पार्टी BNP मेंगर ने नवाज शरीफ के मौकिफ की इस मौका पर तायद करती है। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा अब तक के इजलास में क्या पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, PDM का सरबराही इजलास गुज़श्ता 6 घंटों से मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत जारी है और आज के इजलास में जो पहला फैसला किया गया, चेयरमैन सेनेट के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मुत्तफिका उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है, जबकि डिप्टी चेयरमैन का मामला अभी लटक चुका है और ज़राए के मुताबिक वो स्टेयरिंग कमेटी तक चले गया और उसका फैसला स्टेयरिंग कमेटी कल करेगी। उसके साथ ही साथ 26 मार्च से जो लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है उस हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि तमाम तर्जमातों ने नून लीग समेत जो कौम परस्त जमातें JUI और दीगर जमातों ने लॉन्ग मार्च की आने से कबल इस्तीफों की तजवीज़ दी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की तजवीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि हमें असम्बली के अंदर इन हाउस के जरिए जद्दोजहद करनी चाहिए, जबकि जो बड़ी जो जमातें हैं तमाम तर पीपल्स पार्टी के अलावा वो इस बात पर है कि वो कह रही हैं कि इस्तीफे देकर जो है हमें लॉन्ग मार्च करना है और सड़कों पर निकलना है, जबकि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम जमहूरियत पर यकीन करते हैं और हमें इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। साथ ही साथ आज के इजलास में जो लॉन्ग मार्च के लिए जो दीगर सिफारशात सामने आई थी उन पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि इजलास गुज़श्ता 6 घंटों से जारी है। जैसे ही इजलास खत्म होगा उसके बाद मीडिया को भी तमाम तर सूरतेहाल से आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ आज के इजलास में मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जमातों ने ये जो वाज़ेह किया है कि हमारी जो तहरीक थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसका मकसद हुकूमत को घर भेजना था, ना कि हमें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेकर या फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में पढ़ना चाहिए। हमारी जो तहरीक थी उसका मकसद था सड़कों पर निकलना और इस नाअहल हुक्मरानों के खात्मे तक की थी, जिससे हम पीछे हट रहे हैं और इंतखाबात में पढ़ रहे हैं, लिहाजा अब हमें इंतखाबात से आगे बढ़कर एक दफ़ा दोबारा अपनी ठीक है। तो अभी इस बारे में ऐलान भी बाकायदा तौर पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, अपडेट कर रहे थे। PDM के इजलास में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह शाह अवैस नूरानी और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा में तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। अवैस नूरानी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान को 3 साल पहले सदर के इंतखाब में अपोजिशन जमातों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया। कमर जमान कायरा ने कहा कि 3 साल पहले PDM नहीं बनी थी। अवैस नूरानी को मौलाना फजलुर रहमान ने खामोश करा दिया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने बात का रुख मोड़ दिया। PDM के इस इजलास में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह शाह अवैस नूरानी और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अवैस नूरानी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान को 3 साल पहले सदर के इंतखाब में अपोजिशन जमातों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया था। इस मौके पर कमर जमान कायरा ने कहा कि 3 साल पहले PDM नहीं बनी थी। अवैस नूरानी को मौलाना फजलुर रहमान ने खामोश करा दिया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने बात का रुख मोड़ दिया। PDM का इजलास जो कि जारी है और इसमें कई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इस इजलास के दौरान शाह अवैस नूरानी और यहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। खवातीन के आलमी दिन पर मारूफ गुलोकार अली जफर भी मैदान में आ गए। अली जफर ने जेलों में कैद बेगुनाह और गरीब खवातीन की मदद का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कहते हैं कि कानूनी नुमाइंदगी ना होने से बेशुमार बेगुनाह खवातीन बरसों से जेल में कैद हैं। अपनी सलाहियत के मुताबिक उन खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। अली जफर की जानिब से ट्वीट किया गया है कि कानूनी नुमाइंदगी ना होने की वजह से बेशतर खवातीन ऐसी हैं जो कि बरसों से जेल में कैद हैं। बेगुनाह खवातीन को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अली जफर की जानिब से इस मौका पर अपील की गई है कि वो इन खवातीन का इस मिशन में साथ देंगे और उनका साथ भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ समाअत जल्दी करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन कल यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वीडियो स्कैंडल और कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ समाअत जल्दी करने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वीडियो स्कैंडल और कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी देखने में आई है। दस्तावेज के मुताबिक कपास की पैदावार 56,31,191 गांठे रह गई है। गुज़श्ता साल 1 मार्च तक 85,53,000 गांठे थी। दस्तावेज के मुताबिक 1 मार्च तक पंजाब में कपास की पैदावार 34,95,000 गांठे रही हैं, जो कि गुज़श्ता साल 50,81,000 गांठे थी।
इसी तरह यकम मार्च तक सिंध में पैदावार 21,36,000 गांठें रही, जबकि गुज़श्ता साल सिंध में इस अरसे की कपास की पैदावार 34,77,000 गांठें थी। दस्तावेज के मुताबिक साल 2020-21 के लिए कपास का पैदावारी हदफ 1,08,90,000 गांठें मुकर्रर है। इस्लामाबाद में इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद में 50% कमी हो गई। 2020 में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 3 लाख से कम होकर 1.5 लाख रह गई है। इस्लामाबाद में इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद में 50% कमी हो गई है और 2020 में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 3 लाख से कम रह चुकी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताएगा इस बारे में क्या आदाद और शुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दौरान हुकूमत इस्लामाबाद में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में कमी देखी गई है और 2019 और 2020 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि 2020 में इस्लामाबाद में टैक्स रिटर्न करने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रही है, जबकि 2019 में इस्लामाबाद में 3 लाख से जायद अफराद ने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए थे। इस सिलसिले में RTO इस्लामाबाद ने तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने 2020 के टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के पिछले पहर अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल पर इंतजामिया की तारीफ की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेब तरीन भी वज़ीर आला के हमरा इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के पिछले पहर अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। एतमाद के वोट के मौका पर अरकान की हाजिरी के मसले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया। असद कैसर बोले, बिलावल भुट्टो से कहता हूँ आए जो चाहे तसल्ली करे, पूरी दुनिया और मीडिया देख रहा था। उन्होंने कहा कि किसी एक MNA का बताएं जो गैर हाजिर था। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। सर, बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐवान में 178 अराकीन मौजूद नहीं थे। जो मोहसिन दावड़ का जो इल्जाम है उसको दोहराया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? चलो मैं इसको कहता हूँ कि आ जाए जिस तरह वो तसल्ली करे, जो मतलब ये तो कोई पूरी बात है ना, मीडिया कवरेज कर रहा था, पूरी दुनिया देख रहा था, एक MNA के बारे में बताए कि 178 से जो है ना वो कम था, या कोई एक MNA के बताए कि वो एब्सेंट था, एक भी बताया ना कि प्लाना का वोट पोल हुआ है वो एब्सेंट है। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता, मैं अपनी हिस्ट्री खराब नहीं करना चाहता, किसी भी सूरत में वो काम नहीं करूंगा जो कानून के खिलाफ। और कोरोना की PSL के बाद PCBA में भी एंट्री हो गई। एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर PCBA हेडक्वार्टर हंगामी बुनियादों पर बंद कर दिया गया। पहले PSL निशाना बना और अब PCBA का हेडक्वार्टर भी बंद कर दिया गया है, जहां एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? अजी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ चीजें को इस हवाले से अब देख रहा है, क्योंकि एक तो अगले तीन रोज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम दरवाजा जो है ना बंद कर दिया गया है, और उसके बाद अब तमाम जो मुलाजिमों ने कहा कि वो अपने घरों से काम जारी रखे। इसके साथ साथ जो कैंप थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी भी आज के रोज के लिए जो सरगर्मियां भी मुतल कर दी गई, कल उनके हवाले से मजीद फैसला करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या होना चाहिए। तमाम इस सिलसिले में ये बात कन्फर्म है कि एक आला अफसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैनेजर लेवल का, जिसका कोविड पॉजिटिव आया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि तमाम दफातर जो है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना ने पाक भारत बॉक्सिंग फाइट भी मुलतवी करा दी। पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच और भारतीय बॉक्सर संदीप कुमार के दरमियान दुबई में ये फाइट होना थी। 27 मार्च की फाइट के लिए दुबई हुकाम की जानिब से सफरी पाबंदियां रुकावट बन गईं, जिसकी वजह से ये फाइट मुलतवी करना पड़ी। को जो मेरी फाइट होने वाली थी दुबई में इंडियन फाइटर के साथ संदीप कुमार के साथ, वो फाइट पोस्टपोन हो गई है, जिसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा था। इंशाल्लाह हार्ड वर्क करता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा, और जब तक के मेरा दूसरा अनाउंसमेंट नहीं होगा कि कब ये फाइट लाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।